गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है प्रिज्म वाला जो पढ़ रहे थे उसी का दूसरा भाग देखेंगे। तो लेसन 11 का पार्ट 2 है स्टूडेंट। इसके अगले वीडियो में मैंने आपको प्रिज्म के बारे में क्या क्या हो बता दिया था। अब देखिए यहाँ पर डी की बात करता हूँ। डी देखिए आर तक हमारा हो गया था कि आर क्या अपवर्तन कोण है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं निर्गत कोण की। किसकी बात करेंगे स्टूडेंट? तो निर्गत कोण की। देखिए निर्गत कोण क्या है। देखिए स्टूडेंट, देखिए आप यहाँ पर देखिए ई लिखा हुआ, देखिए किरण बाहर निकल रही है और यहाँ पर देखिए एक अभिलंब खींचा गया यम डैश अभिलंब है और ये निर्गत किरण आपको निकल रही है। देखिए इसी को निर्गत किरण कहेंगे। अब देखिए विचलन कोण क्या है। ध्यान दीजिए कि आपतित किरण को जाना यहाँ चाहिए था, ठीक है स्टूडेंट, जाना यहाँ चाहिए था, लेकिन किरण घूम के यहाँ चली गई, आप देख रहे हैं। तो देखिए अब इस किरण को यहाँ पर जोड़ दिए। अब ये जो आपतित किरण का मार्ग है और अपवर्तित किरण का जो मार्ग है उसके बीच में जो कोण बनता है उसी को हम विचलन कोण कहते हैं। तो स्टूडेंट इतना आपको समझ में आया होगा। तो देखिए यहाँ पर वही परिभाषा लिखा है कि आपतित किरण की दिशा से एक कोण बनाती है। देखिए प्रिज्म की विशेष आकृति करण निर्गत किरण जो है आपतित किरण के साथ कोण बनाते हैं, विचलन कोण कहते हैं, इसे हम जान चुके हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है कांच के प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, ये हमारा अगला टॉपिक है। आपने किसी इंद्रधनुष को देखा होगा और उसकी सराहना की होगी कि वाव कितना खूबसूरत है, कितना बेहतरीन है। इसके बारे में आपने क्या किया है, पढ़ा है। तो स्टूडेंट आपने इन चीज़ों के बारे में अध्ययन किया है तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई भी होंगी, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए अब देखिए आप यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण हमें पढ़ना है। देखिए आपने इन धनुष को भव्य रंगों में देखा होगा, उसकी सराहना की होगी। सूर्य के श्वेत प्रकाश से हमें इंद्रधनुष के विभिन्न वर्णों के प्रकार प्राप्त हो जाते हैं। इन सभी के बारे में हमने क्या किया है, जाना है। तो स्टूडेंट्स तो हमने क्या किया, इन सभी चीज़ों के बारे में क्या किया है, जाना है। तो इस प्रश्न में विचार करते हैं कि पहले हम फिर से प्रिज्म में से होने वाले प्रकाश के अपवर्तन को देखेंगे और कांच के प्रिज्म में झुके हुए अपवर्तक पृष्ठ की रोचक परिघटना दर्शाते हैं। आइए एक क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप मत करिए, हम एक प्रिज्म में आपको दिखाता हूँ। आप देखिए आप करना क्या, क्रियाकलाप में एक प्रिज्म ले लीजिए, उसमें श्वेत प्रकाश आपतित कीजिए। जब आप प्रिज्म में श्वेत प्रकाश आपतित करेंगे तो आपको एक रंगों का पट्टा दिखाई देगा। देख लीजिए, इसे देख रहे हैं आप, आपको रंगों का एक पट्टा दिखाई देगा। आपने श्वेत प्रकाश आपतित किया और प्रिज्म क्या करता है, उन श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित कर देता है। तो देखिए इन 7 रंगों का क्रम कौन सा है, तो मैं आपको नीचे से ऊपर तक का क्रम बताता हूँ। देखिए बैंगनी है, जामुनी है, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये सभी क्या है, एक क्रम है। यानी सबसे ऊपर लाल रंग और सबसे नीचे बैंगनी रंग आपको दिखाई देता है। इसको आप कैसे याद रखेंगे, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ याद करने का। आप इस नाम को याद रखिए, बैंगनी आह पी ना ला, ये नाम आप याद रखिए, बैंगनी आह पिनाला। देखिए बया से बैंगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। तो बैंगनी आह पिनाला आप याद रखेंगे तो आपको 7 रंगों का जो क्रम होगा स्टूडेंट वो आपको याद हो जाएगा।
देखिए प्रकाश के अवयवी वर्णों की इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो बैंड बना है इसी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। सभी वर्णों को अलग अलग न देख पाए, फिर भी कुछ ऐसा अवश्य है जो वर्णों को एक दूसरे से अलग करता है। देखिए प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को विक्षेपण कहते हैं, यानी प्रकाश का उसके घटकों में विभाजित होने की क्रिया को हम विक्षेपण कहते हैं। तो स्टूडेंट चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि प्रिज्म से सात रंगों में किरणें जो होती विभाजित हो जाती हैं। हम ये वर्ण क्यों प्राप्त होते हैं? किसी प्रिज्म से गुजरने का प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरणों के साथ अलग अलग कोण पर झुकते हैं। आपने देखा होगा कि अलग अलग कोण पे वो झुकते हैं, जबकि बैंगनी रंग सबसे अधिक झुकता है, लाल रंग सबसे कम झुकता है और बैंगनी रंग सबसे ज़्यादा झुकता है। इसलिए प्रत्येक वर्ण की किरणें अलग अलग पथों पर अनुदिश और निर्गत होती है तथा हमें अलग अलग रंग सुस्पष्ट दिखाई देते हैं, हमें स्पेक्ट्रम के रूप में दिखाई देते हैं। देखिए सर आइजैक न्यूटन ने एक प्रयोग किया था। सर आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था। एक दूसरा सामान्य प्रिज्म लेकर उन्होंने कहा कि जब हम प्रिज्म से श्वेत प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं, श्वेत प्रकाश से सात रंग प्राप्त कर सकते हैं, तो क्या इन सात रंगों से हम वापस श्वेत प्रकाश को प्राप्त कर सकते हैं? तो जी हाँ। देखिए कैसे, देखिए स्टूडेंट एक प्रिज्म ये है और एक प्रिज्म को आप उल्टा कर दीजिए। मैं आपको न्यूटन का प्रयोग बता रहा हूँ स्टूडेंट, क्या बता रहा हूँ न्यूटन का। एक प्रिज्म ये रहा आपका और एक प्रिज्म आप ऐसा उल्टा रख दीजिए, ठीक है। आप यहाँ से किरणें आपतित कीजिए तो आपको सात रंग के पट्टे दिखाई देंगे। क्या दिखाई, यहाँ पर एक वर्णपट रख दीजिए, आपको सात रंग दिखाई देंगे, एक दो तीन चार पाँच छः और सात रंग का पट्टा दिखाई देगा। अब देखिए ये सात रंग यहाँ पर आ गए, ये सात रंग यहाँ पर आ गए। अब इन सात रंगों को जब उल्टे प्रिज्म पर आपतित करेंगे आप, ये सातों रंग आपको यहाँ पर श्वेत प्रकाश दिखाई देगा। यही न्यूटन का प्रयोग है। यानी न्यूटन ने क्या किया, एक प्रिज्म को सीधा रखा, दूसरे को उल्टा रखा, श्वेत प्रकाश सीधे वाले प्रिज्म से गुजारा, तो पहले हमें सात रंग का पट्टा प्राप्त हुआ, अब ये सात रंग जो है इस प्रिज्म में गुजारेगा तो यहाँ पर फिर से हमें श्वेत प्रकाश प्राप्त होगा। स्टूडेंट ये न्यूटन का प्रयोग था। देखिए इंद्रधनुष की बात करते हैं। इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों को दिखाते हैं, क्योंकि जल क्या होते हैं, सूक्ष्म कण के रूप में आकाश में रहते हैं। जब सूर्य का प्रकाश इन जलों पर पड़ता है तो जो जल के बूंद है वो प्रिज्म की तरह व्यवहार करते हैं, और जाहिर सी बात जब जल के बूंद प्रिज्म की तरह व्यवहार करेंगे तो सूर्य क्या है, श्वेत प्रकाश है स्टूडेंट, तो क्या होगा, सूर्य श्वेत प्रकाश होने के कारण इन जल के प्रिज्मों, ये जल की जो छोटी छोटी बूंद है जो ये प्रिज्म की तरह व्यवहार करती हैं, इनसे जब सूर्य प्रकाश गुजरता है तो क्या बनता है, इंद्रधनुष बनता है। देखिए इंद्रधनुष तभी बनेगा जब सूर्य प्रकाश निकला हो और थोड़ी थोड़ी बारिश होती हो, क्योंकि वो जल की बूंदें हैं वो क्या प्रिज्म की तरह व्यवहार करने लगती है, जिससे हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। देखिए इंद्रधनुष सुबह में आपको पश्चिम दिशा में दिखाई देगा, यानी इंद्रधनुष हमेशा आपको सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देगा। आप सुबह इंद्रधनुष देखेंगे तो आपको पीछे दिखाई देगा और शाम को इंद्रधनुष आपको पूर्व दिशा में दिखाई देगा, यानी हमेशा जो इंद्रधनुष होता है वो हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। स्टूडेंट्स देखिए ये वर्षा की बूंद है, ये सूर्य प्रकाश है, ये प्रिज्म की तरह व्यवहार कर रही है। जब ये सूर्य प्रिज्म की तरह व्यवहार करेगी तो यहाँ पर सात रंगों का पट्टा बनेगा और यहाँ पर आपका इंद्रधनुष बनता हुआ दिखाई देगा। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपके टॉपिक समझ में आया होगा। हम वीडियो का दो भाग खत्म कर चुके हैं, अब वायुमंडलीय अपवर्तन हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू।